वक्त पहुंच चुके हैं मरी महाल रोड पे और यहाँ पे काफ़ी लोगों की गहमा गहमी है और रश काफ़ी है, तो यहाँ का वेदर भी बहुत खूबसूरत है। बाकी देख सकते हैं आप, आपको यहाँ का पूरा व्यू जो है वो दिखाते हैं। काफ़ी लोग खुश हैं यहाँ पे, टूरिस्ट जो आए हुए हैं शहर के लिए। तो आपसे भी गुजारिश है कि कभी आप भी जिन्होंने मरी नहीं देखा वो एक बार यहाँ का विज़िट करें। तो नाजरीन, जब आप बस स्टैंड से माल रोड की तरफ आते हैं तो ये सीढ़ियां चढ़ के एक मार्केट आती है माल रोड की सबसे पहले। तो यहां पर हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। यहां पर आपको कपड़े से लेकर ज्वेलरी और इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो आप यहां से आसानी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर मरी की सौगात के तौर पर चीज़ें ख़रीदते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा रश रहता है, जिसकी वजह से ये बाज़ार तकरीबन सारी रात खुला रहता है। तो यहाँ पर नाज़रीन ख़ास तौर पर लेडीज़ की जो शालें और लेडीज़ कपड़ा, इसके अलावा बच्चों के कपड़े और इसके अलावा और भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको यहाँ आसानी मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये निहारी हाउस है और मुहम्मदी निहारी हाउस, वो भी करा गया थे। अच्छा जी, ये कौन सा पॉइंट आ गया? तो माल रोड का पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए पिकनिक पॉइंट रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़्यादातर नाइट में यानी कि यहाँ पे इंजॉयमेंट होती है। यहाँ पे तालाब बना हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नाइट में काफ़ी रश होता है ना? ठीक हो गया। यहाँ पे इकबाल में उस पर लाइब्रेरी मरी है, ये सामने बिल्डिंग पे। अच्छा ये वाली, अच्छा लाइब्रेरी है अभी। अच्छा ठंडी है बेटा, लोग दिन के टाइम पे यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन चूँकि अब वेदर थोड़ा फोट फोट हो गया।
ऊंची बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ का पूरा व्यू जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे आवाम का सबसे ज़्यादा रश होता है और सबसे ज़्यादा जो वीडियो होती है वो यहाँ से ही बनाई जाती है, चाहे वो चैनलों के लिए बनाएं चाहे अपने लिए बनाएं। तो यहाँ पे हर कोई किसी चीज़ में मसरूफ़ है, तो यहाँ पे मज़ा भी बहुत है।